नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको, मैंने आज ही वीडियो डाला था वो हिंगुल का बनाने के लिए, तो बहुत सारे प्रश्न आपके आ गए। हमारे मित्रगण हैं, परम प्रिय हैं, तो जवाब देना आवश्यक भी है क्योंकि वीडियो डालने के बाद उत्सुकता तो बढ़ जाती है, उसका समाधान भी करना अपना कर्तव्य समझ के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो पूछा कि आपने वो कौन से तेल में पकाया, बहुत ज़रूरी प्रश्न था वो, मैं भूल चूक में बता नहीं पाया। वो है मित्रों काले अंकोल का तेल। काले अंकोल के तेल में बिल्कुल बढ़िया शुद्ध हिंगुल अगर पकाई जाए तो मैंने जो आपको बताई है, जो अभी रखी हुई है, ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से ये पकती है। इसमें जो स्वर्ण आभा जो देख रहे हो ना, वो काले अंकोल के तेल की वजह से। काले अंकोल का तेल वैसे ही बड़े दिव्य माना जाता है और यहाँ तक बोला जाता है कि काले अंकोल के तेल में अगर आम की गुठली को डुबो के और बोया जाए तो तुरंत फलित हो जाती है। मैंने कभी किया तो नहीं है, जादूगर लोग पहले ऐसा बताते थे, ऐसा सुना है मैंने, अब सत्य क्या है वो ईश्वर जाने। परंतु जब मैंने इसमें हिंगुल में, जब मैंने काले अंकोल में इस हिंगुल को पकाया, ये दो दिन पकी है पूरी, मतलब एक दिन एक रात, एक दिन और एक रात, इस तरह से पकी है धीरे धीरे। वो अंकोल का तेल उड़ता नहीं है, करीब पाव भर अंकोल का तेल था वो, उसमें ये 32 ग्राम की डिगली थी ये शुद्ध, हमारे पुरातन जो रखी हुई थी वही, क्योंकि नई वाली तो मेरे को भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने जो पुरानी थोड़ी बहुत बची है हमारे पास 2-4-10 किलो, उसी का उपयोग खादक में करते हैं क्योंकि खादक में डर बहुत लगता है, तो उसमें पकी हुई है ये। काले अंकोल का तेल बड़ा धीरे उड़ता है, ठंडा होता है, और उसमें जो दिव्य गुण होते हैं वो इसमें पारे और लाल गंधक के साथ मिलकर अतिशय दिव्य हो जाती है। तो ये पूरी बहुत सारे रोगों में काम आती, नज़ला, जुखाम, सर्दी, खांसी, लीवर में तकलीफ, हार्ट में तकलीफ, खून को पतला करती, हार्ट ब्लॉकेज, दर्द शरीर का, हाथ पैरों का दर्द, वात रोग, सब में काम आती है ये। पुराने समय में इसको बनाया जाता था, पर काले अंकुल का तेल ही नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला था 1/2 किलो, मैंने स्वयं ही निकाला था। उसमें मैंने इसको पहली बार पकाई और मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने इसका प्रयोग भी किया। ये इसकी पिसी हुई है, देखिए ये पिसा हुआ भाग है, ये रखा हुआ है, ये रखा है, ये पिसी हुई है, ये इसमें की चमक भी बरकरार रहेगी। अब इसमें हड़ताल भी पकाना है, ये मेरा जय मां काल आयुर्वेद, ये मेरा 9165823800, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। अब दूसरा प्रश्न था कि संट और जीवित दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए, यहाँ दोनों प्रकार की हिंगुल पकी हुई रखी हुई है। ये है लहसुन की पकी हुई है, ये जो देख रहे हो ना, इसमें जीवंतता आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी, पारा दिख तो रहा थोड़ा बहुत चमकदार, परंतु आप इसके सूरत शक्ल से ही समझ में आ जाएंगे, समझ आ जाएगा आपको कि कौन सी बढ़िया है, कौन सी बावजन है। ये दोनों 32-32 ग्राम की पकाई थी, बावजन ही निकली है, जितनी रखी थी उतनी ही निकली है, मगर शकल में अंतर देखो आप। ये अधिकांश तक लोग खादक में देते हैं ये वाली, पर मेरे विचार से अंकोल में पकी हुई अद्वितीय होगी, उसका असर भी बहुत बढ़िया होता है। ये जो रखी हुई है, ये जो है ना, ये जीवंत है, ये देखिए आप पीछे, इसकी सूरत शकल से ही समझ में आ जाता, चीज़ें सूरत शकल से ही अपने को बता देती कि मेरा प्रभाव कितना होगा। ये बड़ी दिव्य चीज़ है मित्रों, अंकोल का तेल, काले अंकोल का तेल, और फिर ऊपर से इसमें पारा और लाल गंधक, और इसमें थोड़ा आयरन भी होता है। ये पकी हुई चीज़ जब इस तरह से बनती है तो फिर ये अद्वितीय हो जाती है, शरीर के समस्त रोगों में काम आती है, भूख को बढ़ाती है। बस इसमें जब भी इसका प्रयोग करें तो बस एक गेहूँ के दाने के बराबर करना है और शहद के साथ करना है, पीसी हुई देते हैं हम, और ज़्यादा गर्मी लगे तो फिर इसको रोक देना है।
भूख खूब लगती है तो भूख के लिए लीवर में काम करेगी, मूत्र संस्थान को साफ करेगी, भूख लगेगी आपको। भूख लगेगी तो दूध दही का प्रयोग ज़्यादा करना है, ज़्यादा खटाई अचार ऐसे उत्तेजनापूर्ण चीज़ें नहीं खाना है। ये वो अद्वितीय चीज़ है मित्रों, जो काले अंगोल के तेल में पकी। मैं तेल बताना भूल गया था आपको, तो बहुत सारे एकदम बड़ा बड़ा प्रश्न आ गए, लोगों के फ़ोन भी आ गए, तो मैंने कहा एक ही बार बता दूँ। ये देखो आप, इसकी चमक से आपको समझ में आ जाएगा। ये रस रसायन के काम की चीज़ नहीं है मित्रों, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य चीज़ है, इसको खादक ही प्रयोग किया जाता है, इसको रस रसायन में प्रयोग नहीं करते हम। खैर मैं तो करता भी नहीं हूँ रस रसायन में का काम, केवल मैं ये खादक ही बनाता हूँ। ये देखिए, कहीं से भी आप देखोगे इस तरह से ये चमक इसमें बिद गया है, इसमें तेल पूरा दो दिन में पूरा बिद गया और फिर ये बेहतरीन चीज़ बन गई है। तो बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के, पूछताछ थी, तो मैंने कहा एक वीडियो ही डाल देता हूँ तो झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। ये जीवंत है और ये दूसरी वाली ये संड है, मरी हुई है, मृत है। लोग इसका भी उपयोग करते हैं पर मेरे विचार से इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, सकल से ही आपको समझ में आ जाएगा। भारत जो है वो बिल्कुल सोने में कन्वर्ट हो जाता है हल्का हल्का, क्योंकि गंधक भी है, लाल गंधक भी है और इसमें कशिश भी होता है। अब मैं इसके बाद काले अंकोल जो थोड़ा सा मेरे पास तेल बचा है उसमें मैं पीली बरकी हड़ताल पकाने की कोशिश करूँगा, वो वीडियो मैं आपको ज़रूर डालूँगा। तो जो कुछ है मित्रों सत्य वो बताना आवश्यक है, क्योंकि अब मैं थोड़ी तो पीस दी, अब थोड़ी बची है इसको भी पीस दूँगा, तो आपको बता दिया ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको संट और जीवित हिंगुल कैसे पकती है, कैसे बनती है वो बता दी। ये है काले अंकोल का तेल, इसलिए लोग मारे मारे फिरते हैं काले अंकोल के तेल के, ये उसका कमाल है। उसमें जो भी चीज़ जाएगी जीवंत होगी और अद्वितीय बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लिखा है शास्त्रों में, वर्णित है, जो बताते हैं लोग, सही है बिल्कुल। कमाल आप अपने आँख से देख लीजिए सामने, कोई झूठ फरेब नहीं। मैं जो भी चीज़ें मित्रों बिल्कुल सामने बताऊँगा, पीठ पीछे कुछ भी नहीं, क्योंकि पीठ पीछे तो लोग शास्त्रों का विवरण करेंगे, कहीं कुछ करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मेहनत मांगती है ये चीज़ें, सब मेहनत का काम है। मेहनत करो तो फिर रिजल्ट भी परिणाम भी आशातीत प्राप्त होते हैं। नमस्कार मित्रों।